हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बारिश का सीजन आ गया है, शुरू मतलब शुरू है मतलब सीजन चल रहा है इस समय। अरे अरे कहना क्या चाहते हो? वो सब छोड़ो, बारिश का सीजन चल रहा है तो हम बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। जब पकौड़ों की बात होती है ना तो घर में सबकी पसंद बदल जाती है। किसी को आलू के पसंद है, किसी को बैंगन के पसंद है, किसी को लौकी के पसंद है। लौकी लौकी के खाए कि नहीं खाए हैं? अरे खाए होंगे, नहीं खाए तो मैं बताऊंगी आपको कैसे बनते हैं इसमें, नहीं अगली वाली वीडियो में। तो मैंने बनाए हैं इस वीडियो में चार तरह के पकौड़े जो कि इतने टेस्टी है ना, आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो सबसे पहले बेसन लेना है, बेसन में थोड़े से बेसिक मसाले डालने हैं और हींग और अजवाइन जो कि बहुत जरूरी होती है। सारे मसाले मैं सारे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैंने बैंगन के सबसे पहले पकौड़े बनाए, तो बैंगन को मैंने गोल कट करके रख लिए थे। अच्छी तरह कट करने के बाद, अच्छी तरह इन्हें धुलने के बाद, फिर हमें ना बेसन वाला जो हमने बनाया था बैंगन को अच्छी तरह से ना बेसन लगा लेना है चारों तरफ से, मतलब बढ़िया से लग जाए तभी तुम्हारे पकोड़े अच्छे बनेंगे। और तेल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। गर्मा गर्म जब तेल हो जाए तभी पकोड़े हमें डालने हैं। इस तरह से मैंने सारे बैंगन के पकोड़े बना लिए। बैंगन के पकोड़े सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने नहीं ट्राई किए तो एक बार जरूर ट्राई करना। अगर ट्राई किए हैं तो आप कैसे बनाते हो वो भी मुझे बताना। उसके बाद जब हमारे ये बढ़िया से अच्छे से बन गए, तैयार हो गए पकोड़े, बैंगन के पकोड़े मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वे बहुत जल्दी बनते हैं। आलू के और बैंगन के बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जब भी आपको भूख लगती है, आपका मन होता है, जब भी बारिश देखते हैं ना तो मन करता है यार पकोड़े तो बन जाएं, तो फिर देरी किस बात की। सबसे पहले हमें बढ़िया चाय रखनी है एक तरफ में गर्मा गर्म पकौड़े बनाने हैं। प्याज के भी अच्छे बनते हैं पर प्याज के मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे पापा को ज़्यादा पसंद है, मुझे प्याज के नहीं अच्छे लगते। आलू के मुझे अच्छे लगते हैं, बैंगन के अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने फिर बनाए आलू के क्योंकि हमारे बैंगन के तैयार हो गए थे। उसके बाद मेरी बहन और मेरे पसंद के बने हैं आलू के पकौड़े जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पहले मैंने आलू को अच्छी तरह छील लिया। छीलने उसके बाद आलू को आपको जैसे पसंद है आप इस टाइप में काटिए, या फिर आपको गोल वाले पसंद है आप गोल वाले कट करके रखिए। मैंने यहाँ पे ना छोटे छोटे से बनाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। उसके बाद मैंने उसी बेसन में जो हमने बैंगन के पकौड़े बनाए थे उसमें बेसन बच गया था, फिर उसी में हमने ये वाले आलू वाले भी बना लिए और अलग अलग डाल के बढ़िया से एकदम टेस्टी से बनाए। इन्हें ना आप एकदम चाट जैसा भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसे। और छोटे कट हैं तो ज़्यादा पकने में भी टाइम नहीं लगते हैं और गोल्डन हो जाएं उसके बाद तो आप इन्हें निकालिए गर्मा गर्म बढ़िया चाय के साथ, मतलब बढ़िया चाय के साथ इन्हें खाइए। और साथ में ना अगर आपके पास आम की चटनी हो ना तो और भी अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मीठी चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे जैसे लोग कौन बहुत कम होते हैं जिन्हें तीखा पसंद है, मतलब तीखी वाली चटनी। हम लोग है ना मीठी चटनी फेंक देते हैं, तीखी चटनी ज़्यादा खाते हैं। एक बार फिर कह रही हूँ, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना प्लीज़ मेरा वीडियो। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ये भी कमेंट करके बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पकौड़े भी एकदम से तैयार हो गए, बिल्कुल अच्छे लगते हैं, एकदम छोटे छोटे से हैं, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और खाने में तो यार पूछो ही मत कितना टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो मसाले होते हैं ना वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने फिर बनाए आलू के, पर इस बार ये मैंने कद्दूकस करके रखे थे आलू, इन्हें ना मैंने बनाया यार ये वाला ना यार ज़रूर मैं बोलूँगी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही कुरकुरे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना, आप एक बार खाएंगे ना तो फिर सच बता रही हूँ मैं, नाम लेंगे। सबसे पहले आलू लेना, आलू को छिलके उतार देना है, उन्हें अच्छी तरह धुलने के बाद कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद जो हमारे पास मसाला बचा था, मतलब वही बेसन वाला, उसी में मैंने ये डाल दिया। 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिए थे क्योंकि मुझे कम लग रहा था। इसमें मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले थे, सिर्फ नमक डाला था और नमक के साथ इतना टेस्टी लग रहा था, सच बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आप है ना बच्चों के लिए अगर बना रहे तो इस टाइप के बना के लाइए, सच में बहुत अच्छे लगे हैं। जिन्हें तीखा नहीं पसंद है, अगर आपको पसंद तो आप मिर्च डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे मिर्च नहीं डाली थी और मुझे तीखा बहुत पसंद है, पर इसमें ना बिल्कुल भी तीखा नहीं था तब भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि हर बार तीखा, मतलब मुझे तीखा पसंद है तो मैं हर बार कुछ तीखा डालूं, कभी कभी आप है ना नमक डाल के भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। तीखा मतलब हमेशा नहीं अच्छा लगता है, कभी कभी फीका भी अच्छा लगता है। सबसे फेवरेट मेरे ये वाले पकौड़े थे और ये पकौड़े एकदम गोल्डन जब हो जाए ना आप इन्हें अच्छी तरह निकालिए और इन्हें ना चटनी के साथ खाइए या तो आप ऐसे ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बरसात जैसे ही होती है ना 2 बूंद गिरी नहीं कि लोग कहने लगते हैं चलो भाई घर पे पकौड़े क्यों नहीं बन जाते चाय के साथ गर्मा गर्म, ऐसा होता है ना। और हमें समझ में नहीं आते कैसे पकौड़े बनाए, तो इस टाइप के पकौड़े बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद जो लास्ट है मैंने बनाए थे प्याज के, प्याज को मैंने लंबे टुकड़े में कट करके रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन डाला, बेसन डालने के बाद जो हमारे बेसिक मसाले थे मैंने वो बेसिक मसाले डाले क्योंकि यहाँ तक ना मेरा मसाला बिल्कुल भी मतलब बेसन नहीं बचा था, तो मैंने यहाँ पे मसाले डाले जो कि मसाले मैं सारे मेंशन कर दूँगी, सारे लिख दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना एक बार। एक सीक्रेट मसाला है मेरा जो कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सीक्रेट है मेरा क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो,
क्योंकि मुझे पकोड़े एंड कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मुझे ना ये मसाला तैयार रहता है तो मैं ना हर सब्जी में भी डाल के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ मसाला खाने। स्पेशली जब मैं पकोड़े या कचौड़ी बनाती हूँ तो मैं ये मसाला ज़रूर यूज करती हूँ। काली मिर्च, लौंग मैंने यहाँ पे डाला, थोड़ा सा खड़ी धनिया, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी, मतलब 2-3 डालनी है आपको। और उसके बाद है ना इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद आप इसे ना ग्राइंड करके रख लो। आपकी वो आप इसको ना किसी भी मसाले में डाल सकते हैं, मतलब सब्जी में भी डाल सकते हैं, जीरा आलू बनाते हो उसमें भी डाल सकते हैं। मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। और हमारे प्याज के पकोड़े जो कि लास्ट पकोड़े थे, और हमारे प्याज के पकोड़े एकदम से तैयार हो गए, गोल्डन हो गए, इन्हें मैंने निकाल लिया। उसके बाद बारिश और चटनी और चाय के साथ मैंने इंजॉय किया। और आपको कौन से पकोड़े अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मिलते हो आपको अपने नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।